वाम वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास अरोड़ा आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल अंडरराइटिंग एलआईसी पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम नॉन मेडिकल स्कीम्स को आज लेंगे। दोस्तों, नॉन मेडिकल स्कीम्स को भी हमने दो पार्ट्स में तैयार किया है। आज हम आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में समझाएंगे। दोस्तों, अगर हम दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग में तीन पार्ट्स होते हैं, एसयूसी, नॉन मेडिकल स्कीम्स, मेडिकल। जो फर्स्ट पार्ट है एसयूसी, हमने उसकी दो वीडियोस पिछले बार रिलीज की हैं और प्रॉपर उसके बारे में समझाया है। आज हम नॉन मेडिकल स्कीम्स को लेंगे। फ्रेंड्स, नॉन मेडिकल स्कीम्स के अंदर भी 7 कैटेगरीज है, जिसको हम वन बाई वन अच्छी तरह सीखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरी और पेन लेके बैठें, ताकि टॉपिक आप अच्छी तरह समझ सकें। फ्रेंड्स, नॉन मेडिकल चार्ट्स के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, उसको नोट कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, हमेशा आपकी लाइफ में काम आएंगी। फ्रेंड्स, इफ एसयूसी फॉल्स विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉन मेडिकल चार्ट्स, इट मींस केस विल बी डिपोजिटेड डायरेक्टली इन ब्रांच विदाउट एनी मेडिकल फॉर्मेलिटीज। यदि हमारी नॉन मेडिकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग एसयूसी मैच करती है तो उस केस में मेडिकल नहीं होगा, ब्रांच में डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है। फ्रेंड्स, नॉन मेडिकल चार्ट जब देखेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है, जो स्टैंडर्ड लाइफ होंगी, स्टैंडर्ड लाइफ मीन्स एक सामान्य व्यक्ति, किसी तरह से कोई अपंगता या स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक हो, उसको हम स्टैंडर्ड लाइफ्स बोलते हैं। और ना ही किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मॉर्टेलिटी रेटिंग, कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा उस लाइफ पे ना लगता हो, ना ओवरवेट हो, तो उसी केस में हम नॉन मेडिकल चार्ट को देखेंगे। मान लेते हैं किसी को क्रॉनिकल डिसीज है, कोई बीमार है या किसी डिसीज से उसको पीड़ित है वो, तो उस केस में हम लोग दोस्त नॉन मेडिकल चार्ट को रेफर नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, नॉन मेडिकल कैटेगरी में बेनिफिट लेने के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए। यदि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो नॉन मेडिकल चार्ट्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, एक अच्छी बात ये होती है, यदि हमारा जो एसयूसी है नॉन मेडिकल चार्ट में आ जाता है तो हमको किसी भी प्रकार के स्पेशल रिपोर्ट, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरे, टीएमटी वगैरह, वो नहीं होते हैं। नॉन मेडिकल मीन्स नॉन मेडिकल। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जब भी क्लाइंट्स के पास बैठे हैं तो बैक हैंड में इसकी कैलकुलेशंस करना बेहद जरूरी है। फर्स्ट आप एसयूसी की कैलकुलेशन करते हैं, जो हमने पिछले दो वीडियोस में सीखी है। जब आप एसयूसी की कैलकुलेशन कर लेंगे और जब इस चार्ट की बात आएगी तो आप इजीली माइंड में रखेंगे और चेक कर पाएंगे कि जो लाइफ प्रपोज्ड है उसको हम क्या नॉन मेडिकल केस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप एसयूसी और सेकेंड स्टेप नॉन मेडिकल चार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, दैट इज नॉन मेडिकल स्पेशल। स्पेशल वर्ड यूज किया है तो आप समझ सकते हैं जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। नॉन मेडिकल स्पेशल मींस दिस इज फॉर द स्पेशल पीपल। पॉइंट नंबर 1 में बताया कि एम्प्लॉइज लिटरेट मेल लाइफ एंड एसएससी पास्ट फीमेल। जो ऐसे कर्मचारी जो पढ़े लिखे पुरुष और जो मिनिमम 10वीं पास महिलाएं हैं और जिनकी सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में एक साल हो चुकी है, उसी को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। किसी की 6 महीने सर्विस हुई है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई महिला 8वीं पास है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो नॉन मेडिकल स्पेशल के बेनिफिट को ले सकते हैं। गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेस इंक्लूडिंग आर्म्ड ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल, यूटी, इंडस्ट्री अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन सब के कर्मचारियों को भी हम एनएमएस में देखते हैं। रेपुटेड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या ऐसी कंपनी हो जिनको एलआईसी ने अपनी पीएनजीएस, मतलब पेंशन एंड ग्रुप स्कीम दे रखी है, कवरेज दे रखी है उसकी, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। ऐसी कंपनियां चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टॉक में लिस्टेड हो, उनके कर्मचारी भी एनएमएस कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स,
हमने छह ऐसी छह लिस्ट में देखे जो एनएमएस कैटेगरी में आते हैं, जो फ्रॉम 4 to 6, जो चौथा पांचवा और छठा, इन तीनों कैटेगरीज के कर्मचारी हैं, उसके लिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट देखी जाएंगी। पहली बात, उनकी कंपनीज उनके प्रोविडेंट फंड काटती हूँ, उनके पास टैन नंबर हो, उनका लीव रिकॉर्ड मेंटेन होता हुआ एम्प्लॉयज का, जहां लीव रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, ये एनएमएस की फैसिलिटी उनके एम्प्लॉयज को नहीं मिल पाएगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था कम से कम 3 साल पुरानी हो। मान लेते हैं संस्था भी 1 साल पहले ही खुली है, 2 साल पहले ही खुली है, और उसका कोई कर्मचारी अगर हमसे एनएमएस के लिए कैटेगरी में आना चाहता है तो वो नहीं आ पाएगा दोस्तों। मिनिमम उसकी स्टैंडिंग जो हो, मिनिमम स्टार्ट हुए कार्य को 3 साल हो चुके हों, ये पॉइंट हमेशा आपने ध्यान रखना है दोस्तों। एक मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर पढ़ रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी मैंने पहले कहा कि मिनिमम 1 साल की सर्विस होना जरूरी है किसी भी कंपनी में, लेकिन एक सर्कुलर जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था या एमएनसी में कर रहा था, वो छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है, वो भी दूसरी जगह एमएनसी या गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लेता है। अभी उसको वहाँ 6 महीने 3 महीने काम करते हुए हैं, लेकिन पिछले ऑर्गेनाइजेशन में वो 9 महीने 10 महीने काम कर चुका था या उससे ज्यादा काम कर चुका था। कुल मिला के पिछले ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दोनों को मिलाकर यदि सर्विस 1 साल से ऊपर की हो चुकी है, उसको भी इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते जो पिछली कंपनी पिछली संस्था है वो भी नॉन मेडिकल स्पेशल के सारे क्राइटेरिया को पूरी करती हो। और मैं अभी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसा केस आए कि कभी किसी की नई नई जॉब लगी है और पिछली जॉब भी उसकी एनएमएस कैटेगरी की थी, तो आप उसकी भी डिटेल्स पूरी फॉर्म में लें, उसके डॉक्यूमेंट्स जरूर लें, तभी तो हम वेरीफाई करवा पाएंगे, प्रूफ दे पाएंगे कि व्यक्ति कहाँ काम करता था। बातें वर्बली नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स से पूरी की जाती है दोस्तों एलआईसी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी केस आए तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि इसको हम एनएमएस में दे सकते हैं, भले ही 1 साल की सर्विस नहीं हुई है, बट पिछली जहाँ उसके एम्प्लॉयर थे उसके डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है नॉन मेडिकल स्पेशल चार्ट, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। 3 कैटेगरीज हैं, 18 से 35 वर्ष, 36 से 45, 46 से 50। सिंपल फार्मूला, एनएमएस में 30-20-10 ऐसे याद रखिए। पहली कैटेगरी 30 लाख, दूसरी के लिए 20 लाख, तीसरी के लिए 10 लाख, 50 साल की आयु तक 10 लाख का एसयूसी दे सकते हैं। मैंने थर्ड कॉलम लिखा है प्लान्स अलाउड, सारे प्लान्स अलाउड नहीं होते हैं, जितने भी प्लान आते हैं हमारे दोस्तों इशू होते हैं, एलआईसी अपना हर प्लान का अंडर राइटिंग सर्कुलर निकालती है, उसमें बताती है कि सबको एनएमएस की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। वर्तमान में अनमोल जीवन और जीवन अमर दो ऐसे प्लान हैं जिनको हम नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी से बाहर रखते हैं, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, टर्म राइडर और प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर, यदि किसी हम नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी को देते हैं तो वो उसकी एसयूसी में अकॉर्डिंगली ऐड होते हैं और वो एनएमएस के अकॉर्डिंग केस पास हो सकता है, उस केस में मेडिकल नहीं होगा। नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में यदि आप टर्म राइडर दे रहे हैं, पीडब्ल्यू राइडर दे रहे हैं और उसका एसयूसी की क्राइटेरिया को मैच कर रहा है तो मेडिकल नहीं होगा, ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है। और दोस्तों, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 30-20-10 एनएमएस ऐसे याद रखना है, 30-20-10 एनएमएस। फ्रेंड्स, दूसरी कैटेगरी आती है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। पहली कैटेगरी थी स्पेशल लोगों के लिए, दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल लोगों के लिए। जो प्रोफेशनल कैटेगरी है उसमें कौन कौन लोग आएंगे दोस्तों? जो खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, या ऐसे एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जो ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं जो नॉन मेडिकल स्पेशल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करती। मान लेते चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एनएमएस का क्राइटेरिया पूरा नहीं करती। मान लेते हैं वो लीव रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, पीएफ नहीं काटती, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसका मतलब एनएमएस का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। व्यक्ति प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आएगा और हम उसको नॉन मेडिकल प्रोफेशनल की कैटेगरी से देखेंगे, ये पॉइंट भी नोटिस कीजिएगा दोस्तों। आपको पता ही है प्रोफेशनल कैसे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज, एक कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये हमेशा ध्यान रखने हैं। डॉक्टर्स लॉयर्स तो होते ही हैं, जो टीचर्स होंगे
उनके पास बीएड की डिग्री मिनिमम अनिवार्य है। अगर किसी के पास बीएड डिग्री है और घर पे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो दोस्तों वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट है ध्यान रखिएगा, एलआईसी का एजेंट है लेकिन कितना पुराना, 5 साल पुराना, ये थंब रूल याद रखिए। और उसकी एजेंसी इनफोर्स होनी चाहिए, कोई एलआईसी एजेंट को भी हम प्रोफेशनल मानेंगे यदि वो 5 साल पुराना होगा और उसकी एजेंसी इनफोर्स होगी। पोस्ट ग्रेजुएट की कैटेगरी अभी दोस्तों नहीं आई है, मैंने ऊपर सर्कुलर मेंशन किया हुआ है 2016 के अंदर ही इस कैटेगरी को हमने जोड़ा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ पीजी होते भी आप प्रोफेशनल कैटेगरी की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ दो कंडीशन क्वालिफाई करनी है आपको, हमको स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना है और हमको इनकम के प्रूफ में मिनिमम 2.5 लाख की आईटीआर चाहिए। दोस्तों अगर आईटीआर नहीं देंगे हम आपके इस क्लाइंट को, लाइफ प्रपोज को नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का दर्जा नहीं दे सकते। वी नीड आईटीआर, वो भी कितने की मिनिमम, 2.5 लाख की। ये तो बहुत कम अमाउंट है दोस्तों, बट मिनिमम क्राइटेरिया एलआईसी ने रखा हुआ है अलोंग विद दी पैन कार्ड। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कई जो अंडर राइटर्स होते हैं वो प्रोफेशनल लोगों की डिग्री भी मांग लेते हैं, फोटोकॉपी। दे वांट टू क्लैरिफाई कि भाई आपने प्रपोजल फॉर्म में भर के दिया है, मान लेते हैं डॉक्टर है, लॉयर है, लेक्चरर है, कुछ भी है, सीए है, तो वो कई बार कहते हैं कि हमको इसकी एक डिग्री की फोटोकॉपी दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन दी अंडर राइटर। तो फ्रेंड्स अंडर राइटर जो है फाइनल अथॉरिटी होता है एलआईसी में केस को पास करने की। तो फ्रेंड्स हमने अभी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का पहला पार्ट समझा कि प्रोफेशनल कैटेगरीज में सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को लेंगे, स्टैंडर्ड एज प्रूफ होगा, 2.5 लाख की मिनिमम आईडिया चाहिए अलोंग विद दी पैन कार्ड, कई बार डिग्री काफ की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है। फ्रेंड्स नॉन मेडिकल का पिछला पार्ट था, पहला पार्ट प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का सेकेंड पार्ट क्या है, ऐसे बिजनेसमैन, पढ़ी लिखी महिलाएं जिनकी लेटेस्ट आईटीआर 10 लाख की फाइल हुई हो। ये कैटेगरी एलआईसी ने 2016 में इंट्रोड्यूस की है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है इससे मार्केट में, आपको काफी बिजनेस मिलने वाला है कि जिनकी आईटीआर 10 लाख से ऊपर की है, सिर्फ वो चाहे मेजर मेल्स हो चाहे पढ़ी लिखी महिलाएं हो, उनको भी आप नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का दर्जा देने में सक्षम हैं। कंडीशन क्या होगी, ओनली स्टैंडर्ड एज प्रूफ और हमको आईटीआर चाहिए दोस्तों, तभी तो बता पाएंगे कि भाई 10 लाख की इनकम है। मान लेते हैं 2 साल पहले 10 लाख की आईटीआर थी और लास्ट ईयर की 8 लाख की आईटीआर है, आप 2 साल पहले की आईटीआर दिखा के हमको कन्विंस करते हैं कि भाई उसकी इनकम 10 लाख थी, नो, वी नीड लेटेस्ट आईटीआर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमें लेटेस्ट आईटीआर चाहिए। मैं समझता हूँ दोनों पॉइंट्स हमें नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के क्लियर हो गए होंगे। जैसे हमने एनएमएस का चार्ट याद किया था, सेम 18 से 35, 36 से 45, 46 से 50, वो कितने का था दोस्तों, रिकैप कीजिए, 30 फीस 10 एनएमएस, 30 फीस 10 एनएमएस, याद हो गया। इसी प्रकार से मैक्सिमम एसओसी इसमें है 25 15 8, इसमें 50 साल तक के व्यक्ति को 8 लाख एसओसी तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं विदाउट मेडिकल, नो मेडिकल, सिर्फ हमें जो उसकी कंडीशन है वो फुलफिल करे हम इंश्योरेंस करेंगे विदाउट मेडिकल। चार्ट का नाम भी यही है, नॉन मेडिकल। तो 30 20 10 फॉर एनएमएस, 25 15 8 फॉर द पर्पस ऑफ नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। फ्रेंड्स मैंने प्लांस लेआउट की हेडिंग में फिर लिखा है आपके लिए कि एज पर द अंडर राइटिंग सर्कुलर्स फॉर द प्लांस इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि एनएमएस में भी था कि कुछ ऐसे प्लान्स अगर एलआईसी इशू करती है कि वो ये कहती है कि नॉन मेडिकल का हम दर्जा नहीं देंगे इस प्लान को, नहीं बेनिफिट नहीं देंगे, तो वो फिर रेस्ट्रिक्शंस तो एलआईसी की है, वो एलआईसी इशू कर सकती है अपने अंडरराइटिंग सर्कुलर्स के अंदर। तो फॉर द एग्जांपल वर्तमान में अनमोल जीवन प्लान, जीवन अमर प्लान, दोनों ही टर्म इंश्योरेंस है, दोनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, उनको किसी प्रकार का नॉन मेडिकल का दर्जा नहीं दिया गया, मेडिकल कंपलसरी है उन दोनों प्लान्स के अंदर। फ्रेंड्स एनएमएस की भांति इसके अंदर भी टर्म राइडर और पीडब्ल्यू राइडर इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिकल नहीं होगा। आप एसओसी की जब गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा और मैच करेगा नॉन मेडिकल की लिमिट के साथ, तो मेडिकल नहीं होगा उस कैटेगरी में आएगा।
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इसमें भी हमको स्टैंडर्डाइज प्रूफ चाहिए और ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स, नॉन मेडिकल जर्नल पहले सीखा हमने, स्पेशल फिर सीखा प्रोफेशनल। स्पेशल में क्या है दोस्तों, 30, 20, 10, और प्रोफेशनल में 25, 15, 8। अब इस पॉइंट को लेते हैं, नॉन मेडिकल जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, 80% बिजनेस एलआईसी एजेंट्स के पास इस कैटेगरी से आता है दोस्तों। सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, कॉमन लोगों की कैटेगरी है, हिंदुस्तान में कॉमन लोग ज्यादा हैं, स्पेशल और प्रोफेशनल लोग कम है, हम सब जानते हैं। तो नॉन मेडिकल जर्नल इसके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर किस कैटेगरी में किसको इंक्लूड कर रहे हैं, मेजर मेल्स, फीमेल सब्जेक्ट टू देयर अलाउबल ओवरऑल लिमिट, जो हमने फीमेल इंश्योरेंस की वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, A1, A2, A3, B1, B2, पांचों कैटेगरी के हिसाब से जो उनकी लिमिट्स हैं, हम उनको नॉन मेडिकल जर्नल में कैटेगराइज करके जो मैक्सिमम होगा वो देंगे। एनी एज प्रूफ, अभी तक जो तो पिछली कैटेगरी गई थी उसके अंदर स्टैंडर्ड एज प्रूफ था, बट इस कैटेगरी में आप स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी ले सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल है, जो कैटेगरी जो ना एनएमएस में आए ना प्रोफेशनल में आए वो इसी कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है जिसकी 10 लाख की आईटीआर नहीं है, खुद का कोई काम कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है ऐसी संस्था में जो एमएनसी का क्राइटेरिया पूरा नहीं करती, मतलब सामान्य ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब कर रहा है, तो मोस्टली लोग इसी कैटेगरी में होते हैं। और आप ये समझ लीजिए ये ग्रुप कॉमन लोगों का है, कॉमन पीपल ग्रुप कह सकते हैं इसको मेरे अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम बीमा आपको इस कैटेगरी से आएगा, इस सेगमेंट से आएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अभी हमने चार्ट याद किया था, नॉन मेडिकल स्पेशल का, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का, ये चार्ट किसका आ गया दोस्तों, नॉन मेडिकल जनरल का चार्ट आ गया। इसमें जो 80% बिजनेस आपके पास इस कैटेगरी से आएगा, दोनों एज प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको इसकी लिमिट याद रहनी चाहिए कि इसमें हमारे को कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रांच में जाएंगे केस पास हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 18 से 35 तक 8 लाख, 36 से 45 5, 46 से 50 3 लाख। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं कोई 50 साल का भी है और वो 3 लाख की एसोसिएशन का प्लान हमसे कोई भी प्लान करवाता है तो मेडिकल नहीं होगा, 8, 5, 3 ऐसे याद कर सकते हैं। और जो दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ, उसका है 5, 3, 2। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा छोटी सी बात, जैसे हमने लिखा है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, समय छोड़ लिखा है इनकी लिमिट है, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के जो हमने डिस्कशंस पहले भी अपनी वीडियोस में किए हुए हैं कि उसके अंदर एज प्रूफ एक्स्ट्रा लगता है, अलग से उनके जो एक्स्ट्रा फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो बातें हमेशा आपको याद होनी चाहिए। जब भी आप किसी का केस करें जिसके पास एज प्रूफ नहीं है या नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, तो उसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, एक अलग से फॉर्म भी भरा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही थे पहले कि अनमोल जीवन, जीवन अमर, तो जब स्पेशल में नहीं आए, प्रोफेशनल में नहीं आए, तो नॉन मेडिकल जनरल में भी उनको कोई किसी तरह का एग्जम्पशंस नहीं है। अनमोल जीवन और जीवन अमर दोनों ही नॉन मेडिकल की लिमिट से बाहर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं बताना जा रहा हूं आपको, अभी मैंने आपको बताया नॉन मेडिकल स्पेशल में प्रोफेशनल में कि टर्म राइडर और पीडब्ल्यू राइडर को इंक्लूड कर देते हैं, कोई मेडिकल नहीं होगा। आज आपको एक थंब रूल याद रखना है, किसी भी नॉन मेडिकल जर्नल के अंदर यदि हम किसी व्यक्ति को टर्म राइडर दे रहे हैं, किसी को पीडब्ल्यू दे रहे हैं, तो वो केस नॉन मेडिकल कैटेगरी का नहीं है दोस्तों, उसे मेडिकल होना ही होना है, चाहे एफएमआर हो। आप सोचिए, जब हम बच्चे की केस की बात करते हैं तो अगर मानते हैं नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी का, तो हमेशा बोलते हैं कि एफएमआर होगा, टर्म राइडर में हम बोलते हैं हमेशा एफएमआर होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी में अगर हम प्रपोजर को पीडब्ल्यू राइडर का बेनिफिट दे रहे हैं तो मेडिकल होगा, टर्म राइडर दे रहे हैं तो मेडिकल होगा। तो नॉन मेडिकल जनरल का ये चार्ट हम तब फॉलो नहीं कर सकते, आपको एफएमआर की मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उसमें आनी ही आनी है। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार रिवाइज कर लें, 30, 20, 10, 25, 15, 8 और इसमें 8, 5, 3, 5, 3, 2। तो ये हमारा अगर
याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप उसको कहीं नोट कर सकते हैं, इस चार्ट को संभाल के रख सकते हैं अपने पास कहीं भी फोटो खींचकर। फ्रेंड्स ये हमने अपने जो आपकी स्क्रीन पे आया है, ये है नॉन मेडिकल लिमिट्स फॉर माइनर्स, बच्चों के केस में कहां तक मेडिकल नहीं होगा। फ्रेंड्स जो बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर्मेलिटीज अंडर राइटिंग रूल्स हैं उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। सिर्फ यहाँ पे हमने एक क्योंकि टॉपिक चल रहा है नॉन मेडिकल का, तो आपको लिमिट्स बच्चों की भी याद रहनी चाहिए। 0 से 9 साल तक 40 लाख की एसयूसी तक बच्चों का मेडिकल नहीं होता, 10 से 17 साल तक के बच्चों की आयु तक 15 लाख की एसयूसी तक मेडिकल नहीं होता। जो उसके नियम है, शर्तें हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सब हमने माइनर्स का जो वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन की है। फॉर द पर्पस ऑफ नॉन मेडिकल लिमिट कि हमको मेमोराइज करना है कि कहां तक मेडिकल नहीं होता, तो ये आपके स्क्रीन पे है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो मेजर स्टूडेंट्स होते हैं, जो कोई मान लेते कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगर मेजर स्टूडेंट्स हैं तो उनका 20 लाख की एसयूसी तक कोई मेडिकल नहीं होगा। फ्रेंड्स मेजर स्टूडेंट्स को हम अनमोल जीवन प्लान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने माइनर का सीखा 0 से 9 ईयर्स तक, याद किया ना आपने 40 लैक्स, और 10 to 17 बताइए मेरे को आप 15 लाख, और 18 से 30 जो ये मेजर स्टूडेंट है इसका एसयूसी हो गया 20 लाख। देखिए अगर हम याद करें तो अच्छा, नहीं करें तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये सब चीजें कहीं ना कहीं नोट करनी है, अपने बैग के अंदर रखनी है, जो आपका एक प्रोफेशनल बैग होता है, किट होती है, नॉन मेडिकल का चार्ट हमेशा हमारे पास होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एसयूसी की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो सीख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम होता है कौन सा व्यक्ति है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, NMS में आ रहा है, प्रोफेशनल में आ रहा है, जनरल में आ रहा है, फिर उसके एसोसिएशन के चार्ट को हम रेफर करते हैं। और जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि टर्म राइडर और PWP को हमने कभी नॉन मेडिकल जनरल के अंदर नहीं देखना है, मेडिकल उसमें निश्चित होना ही होना है, FMR हो चाहे मेडिकल होगा। फ्रेंड्स नाउ क्वेश्चंस टाइम, मैं आप अभी हमने नॉन मेडिकल सीम्स का फर्स्ट पार्ट लिया है, जिसके अंतर जो भी हमने सीखा अभी उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इन सारे क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दूंगा, किसी को कोई क्वेश्चन समझना है, कोई डिफ़िकल्ट हो तो मुझे बताएं, और लगता है कि आपने आंसर चेक करवाने हैं तो मुझे बताएं, मुझे आप डिटेल सारी भेजें आंसर क्वेश्चन के साथ, तो मैं आपको उसका रिप्लाई बताऊंगा आपने ठीक किया गलत किया। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टॉपिक के ऊपर हमारी निपुणता मास्टरी एक्सपर्टाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, केस स्टडी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे आपको इस तरह के केसेस मिलने वाले हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये 5 to 8 हमने इसमें रखा है, 9 to 14 ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए हैं, टेंशन नहीं लेने का, 20 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्लियरिटी होने वाली है आपको इस टॉपिक की, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यू विल मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। लेकिन अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा ना नॉन मेडिकल स्पेशल का, वो जरूर सुनना है, उसके अंदर में स्टैंड अलोन सिंगल प्रीमियम की भी बातें करेंगे, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, ताकि परफेक्टली आप हर चीज को समझें। जैसे आप एसयूसी को समझे थे हमारे दोनों वीडियोस के अंदर, अब ऐसी दोनों वीडियोस के अंदर NMS को समझेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिकल वाला वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ बातें समझ आई, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें, जो भी आपके मित्र हैं LIC में जिनको आप जानते हैं उनको शेयर करके ये इस बारे में बताएं, इस टॉपिक के बारे में बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मेरे को इतना सुना, मैं बस थैंक यू बोलना चाहूंगा, वेरी हैप्पी आप मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरी पूरी वीडियोस को पूरा सुनते हैं, और मैं भी आपको एश्योर करना चाहता हूं कि मैं अब लग गया हूं इस काम पर कि आपको मुझे प्रोफेशनल बनाना है, बस आप वीडियो देखने का समय निकालें, बाकी मेहनत मेरी है, सिर्फ वीडियो देखें, समझें, एक बार देखें, दो बार देखें, अगर समझ नहीं आ रहा कॉल मी एनी टाइम राउंड द क्लॉक फ्रेंड्स, लेकिन हमको प्रोफेशनली अपने बिजनेस के अंदर काम करना है, आपको स्पेशल कैटेगरी में आना है जो हमने पहले बात की,
जनरल कैटेगरी में नहीं आना एलआईसी के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।